में कह रहा है, टू आइसोलेटेड मेटलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर चार्ज्ड सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। मतलब टू आइसोलेटेड मेटलिक स्फीयर है जिसके रेडियस है आर और टू आर, दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम है सिग्मा। आगे कह रहा है द स्फीयर्स आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। अब दोनों स्फीयर को हमने क्या करा, एक थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश, मतलब बिगर स्फीयर पे कनेक्ट, मतलब वायर से कनेक्ट करने के बाद बिगर स्फीयर पे, तो स्फीयर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा डैश। हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा एस, मतलब सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा का रेशियो बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं दो स्फीयर की बात करूँ, पहले स्फीयर की रेडियस कितनी आर, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज मान लेते, इस पे चार्ज कितना है Q1, तो ये क्या हो जाएगा Q1 बाय 4 पाई R2। तो Q1 कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई R2, R2। ऐसी अगर दूसरा गोला अगर हम देखें, दूसरा गोला बड़ा गोला, बड़े गोले की रेडियस 2R, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई 2R2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और Q1 कितना हो जाएगा 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या किया गया, दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया, ठीक ना, दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया। तो इन दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा, और वो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक ना, आइडेंटिकल होती है दोनों बॉल्स तब चार्ज, जब तक सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो साइज है वो अलग है, आइडेंटिकल नहीं है, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चलो, कनेक्शन करने के बाद इस पे चार्ज हो गई Q1 डैश, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 डैश, और कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्या V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तो V1 के Q1 डैश बाय R, और ये हो जाएगा के Q2 डैश बाय 2R, इसके रेडियस R, इसके रेडियस 2R, के R R, तो क्या आ गया Q2 डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश, ठीक, या ऐसे लिख लेते Q1 डैश इक्वल टू Q2 बाय 2, ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं, चार्ज जो है वो कंजर्व रहती है, कनेक्शन से पहले दोनों टोटल चार्जेस का सम जो होगा वो इक्वल होगा कनेक्शन के बाद, मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक, कैसे, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम CC, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। अब इसे पुट कर देते हैं, Q1 कितना हो जाएगा 4 सिग्मा पाई R2, प्लस Q2 कितना 16, सॉरी 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। Q2 डैश इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बिगर स्फेयर का ही सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है सिग्मा डैश, ठीक ना, इसलिए हम Q2 डैश ही निकाल रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 16 20, 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 Q2 डैश बाय 2। ये इधर भेज देंगे और 3 का इधर डिवाइड लगा देंगे नीचे, तो Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 डैश इक्वल टू 20 इंटू 2 40, 40 बाय 3, 40 बाय 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, और सरफेस एरिया चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। और सरफेस एरिया भी किसका, बिगर स्फीयर का, 4π2r का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा डैश इंटू 4π2r का स्क्वायर इक्वल टू 40 बाय 3, 40 बाय 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा डैश इंटू 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 16 आर स्क्वायर इक्वल टू 40 बाय 3 सिग्मा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 8 5 40, तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, तो 2 की मतलब ऊपर तो है 5 और नीचे इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे होगी, 2 3 जा 6, तो रेशियो कितना आ गया, 5 बाय 6, ठीक है ना। सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा इक्वल टू 5 बाय 6, 5 बाय 6 ऑप्शन 4, क्लियर। कुछ भी नहीं है इसमें, पहले तो दोनों चार्ज ले लो, उसके बाद इसे दोनों को जैसे जोड़ोगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और उसके बाद उनके चार्ज का रिलेशन निकाल लो कनेक्शन के बाद। और फिर चार्ज क्या होती है, कंजर्व फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनिशियल चार्ज का सम इक्वल टू फाइनल चार्ज का सम, और सॉल्व करके Q2 में निकाला, क्योंकि हमें Q2 का ही सिग्मा डैश दे रखा है, ठीक ना। तो Q2 निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, और आपका सिग्मा डैश कितना आ गया, 5 बाय 6, क्लियर।